हेलो गाइस, फाइनली मेरा जो स्मार्टफोन है इसमें 5G का सपोर्ट आ चुका है और अब गाइस यहाँ पे मैं 5G यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे गाइस आगे वीडियो में इससे रिलेटेड डिटेल्स में बात करेगी कि कैसे ये आपको मिलेगा और आपका कौन सा फोन है जिसमें 5G का सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब टू देखते रहिए और अगर आप मैच अपना है सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको चले गए बिल्कुल शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस मेरा जो फोन है वो है वन प्लस नॉट टू 5G, ऑलरेडी 5G फोन है लेकिन अभी तक इसमें 5G का सपोर्ट नहीं आया था। लेकिन गाइस यहाँ पे कल रात में मेरे को एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया जो कि यहाँ पे गाइस 808 MB का अपडेट है और इस अपडेट में मेरे को 5G अवेलेबल मिल चुका है। और जहाँ पे गाइस नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है जिसमें 4G 3G 2G ऑटो 3G 2G ऑटो 2G होता है, वहीं पे अब एक न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है 5G 4G 3G 2G ऑटो। और ये गाइस यहाँ पे मैंने जब अपडेट किया उसके बाद ही मेरे को ये अपडेट मिला है। और गाइस यहाँ पे मेरा जो एयरटेल का सिम कार्ड है ये ऑलरेडी 5G है। इसमें जब 5G लॉन्च हुआ था तभी इस पे मैसेज आया था कि अब मेरा सिम 5G हो चुका है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी लोगों का सिम कार्ड होगा वो ऑलरेडी 5G होगा। गाइस यहाँ पे अब मैं फाइनली 5G यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं अभी विलेज में हूँ, गाँव में हूँ, तो गाँव में 5G तो नहीं आया। लेकिन गाइस यहाँ पे जैसे मैं मुंबई जाता हूँ, मुंबई गाइस यहाँ पे मेरे को 5G का सपोर्ट मिलेगा और वहाँ पे जाके मैं अपना मतलब 5G फोन में 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा मेरे को खुशी हुई, जब से 5G आया था तो मैं सोच रहा था कि मेरा सिम कार्ड भी 5G है, फ़ोन भी 5G है, तो 5G सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। लेकिन फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे भी फ़ोन में 5G आ चुका है और जितने भी लोगों का 5G फ़ोन होगा लगभग सबका 5G आ चुका होगा। जिनका नहीं आया है उनका अपडेट आएगा और उनका 5G हो जाएगा, या फिर उनका सिम कार्ड 5G नहीं हुआ होगा तो 5G सिम कार्ड होने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप वेट करना, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली 5G नेटवर्क हो जाएगा। अभी जस्ट 8 सिटीज में 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ है तो ऑल ओवर इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं हो सकता। और स्पेशली गाइस यहाँ पे रूरल एरिया यानी कि गांव ऐसे कुछ जगहों पे 5G अभी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप लोग इसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन गाइस यहाँ पे धीरे धीरे अब 5G हर एक जगह अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा जिससे हमें इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, डाटा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी फास्टली हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं अभी चेक करके आपको नहीं बता सकता क्योंकि गाइस यहाँ पे अभी मेरा जो सिटीज है वो 5G की कवरेज में नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पे अब 5G हो चुका है तो आपको भी मतलब कि अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा और यूज करने में भी मज़ा आएगा। तो जब भी मैं मुंबई जाता हूँ, नेक्स्ट मंथ जाऊँगा, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको 5G को टेस्ट करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर क्या चेंजेस हुआ है 5G 4G टू 5G, कैसा मेरे को स्पीड मिल रही है, कैसा क्या मिल रहा है। सो गाइस बस ये कुछ था वीडियो पे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे को अपडेट आया तो मैंने सोचा वीडियो बना के प्रोवाइड करना चाहिए। सो बस ये कुछ था, वीडियो पसंद है लाइक करिए, अपने एक प्रेस कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।